अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अरवी की बघारी कढ़ी। इसके लिए मैं ली हूँ एक डल्ली प्याज, एक हरी मिर्ची और 1 टेबलस्पून जीरा, 4 टेबलस्पून ऑयल, 4 अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई, अब हम इसमें मीडियम साइज के 2 टमाटे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर अच्छे से मिक्स करके टमाटर सॉफ्ट होने के लिए मैं इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड करूँगी। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए मैं 1/2 गिलास पानी ऐड करी। इसके बाद मैं इसमें अरवी ऐड करूँ। कढ़ी में डालने 1 मुट्ठी चावल, इसमें 2 इलायची डाल के इसका दरदरा थोड़ा पानी डाल के इसका दरदरा पेस्ट बना लें। टमाटर अच्छे से भुनेंगे, अब मैं इसमें अरवी ऐड करूँगी। अरवी को छोटे टुकड़ों में काट के वॉश करके रखें। अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड करें। इसे 3 सीटी के लिए प्रेशर कुक। अरवी अच्छे से सॉफ्ट हो गए, इसमें मैं अब लेमन साइज की होती इमली का जूस इसमें ऐड करूँ। खट्टा अच्छे से होने के बाद मैं इसमें चावल का पेस्ट ऐड करूँगी। अभी 1/2 गिलास पानी डाल, खट्टे को हम इसमें खट्टा अच्छे से ऑन रहा, इसमें मैं थोड़ा शाजीरा 1 पट्टा का टुकड़ा और थोड़ा से पत्थर के फूल औंटने में ऐड करेंगे। अब मैं इसमें चावल का पेस्ट ऐड करूंगी। थोड़ा चावल का पेस्ट ऐड करके इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ी देर औंटने देंगे। अभी अब 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 कप कढ़ी को पकने देंगे और थोड़ी देर। इसके बाद कोथमीर डाल के डिश आउट करेंगे। कढ़ी अच्छे से उड़ गई, मैं इसमें थोड़ी सी कोथमीर ऐड करके अब इसे डिश आउट करूंगी। अरवी की बघारी कढ़ी पक्के रेडी हो गई। इसे आप खीमे के साथ या तले हुए गोश्त के साथ बहुत अच्छी दिखती है बघारी कढ़ी अरवी की। अगर आप लोगों को ये कढ़ी की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।